चल रही है, कोई बताएगा, कोई बताएगा मुझे किसकी क्या चर्चा चल रही है? ठीक है, एक और जोड़ा है जो मैं मिलाता हूँ, खूबसूरत है और भगवान की अद्भुत कृपा है, और दोनों ही पति पत्नी लड़ते नहीं है कभी भी जीवन में, आज तक नहीं लड़े हैं ये भाई, इनके लिए तालियां बजाई जाए। हाँ बहन है हमारी वंदना आई हुई है। वंदना क्या होता था आपको बताएं? ऐसे ही कभी सर घूमता था, सीने में दर्द रहता था, ऐसे चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है बहुत, तो ये नेगेटिविटी होगी। नेगेटिविटी थी? हाँ। लेकिन क्या आप इसको एग्जिस्ट कर पा रहे थे, मान पा रहे थे कि ये नेगेटिविटी है? नहीं नहीं मान पाती, मैं कहती हूँ मेरा ही गुस्सा है, मेरे अंदर इतना चिड़चिड़ापन है। अच्छा, आप ये मानते थे कि मेरा ही गुस्सा है, मेरे अंदर इतना चिड़चिड़ापन है, या मुझे ऐसे ही क्रोध आ जाता है? हाँ ऐसे ही मानती हूँ। तो मतलब आपको गुस्सा ज्यादा आता था, मतलब ये है? हाँ, गृहिणी होते हुए तबीयत ठीक नहीं रहती है, 2 महीने से ज्यादा हो रहा है। 2 महीने से ज्यादा हो रहा था। आप ये बताए, फिर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को नहीं दिखाया, फिर थोड़ा बहुत दिखाया था, दवाई की थी, इतना असर नहीं हुआ, फिर हमने आपके पास आने का निर्णय बनाया। तो मेरी वीडियो कौन देखता था? इन्होंने देखी। इन्होंने देखी, तो भाई आप तो कमाल है, आपने मेरी वीडियो देखी, इसका मतलब हमारी वंदना बहन के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। है इन्होंने देखी थी वीडियो। लेकिन वीडियो इन्होंने देखी तो आपको नहीं दिखाई? उस टाइम इसके अंदर इतनी नेगेटिविटी। आप क्या करते हैं? मैं रेलवे पुलिस में जॉब करता हूँ। अरे भाई, रेलवे पुलिस के भी आदमी आ गए, ये भी तालियां बजाओ। दुनिया का कोई महकमा ऐसा, भारत का सॉरी भारत का कोई महकमा पुलिस का ऐसा नहीं है जो यहाँ आकर ठीक ना हुआ हो। ठीक है, तो पुलिस वाले बाबा के है जी, फौज वाले बाबा के है जी, और यहाँ तक क्या ऊंचे पद से लेके और नीचे पद तक, यानी कि सामान्य अवस्था तक सब लोग यहाँ आए और ठीक होके गए। आपने क्या वंदना में क्या अभी प्रभाव आ गया, क्या फर्क आ गया? मैं देख रहा था इसके बाबा कंधे खा रहे थे और सर में दर्द रहता था, कभी सीने में दर्द होता था, काफी आराम मिला है, और ये आना नहीं चाह रही थी। मैं रोज सारा दिन ये वीडियो देखता था और मुझे पूरा विश्वास था, मतलब मन से एक, मतलब मुझे खींच रहा था कि मुझे यहाँ आना है। उसके बाद मैं जब ये आई तो उस तब तक मुझे भी थोड़ा सा मन में ये था कि नहीं शायद इसकी कोई और बीमारी हो सकती है, लेकिन पता चला था इसके अंदर में 2 ताकतवर है। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर बाबा को खींचते हुए इसको देखा ना, तब से मैं यहाँ दीवाना हो गया। मैंने कहा ये पूरा सच्चा से सच्चा दरबार है, तब से मुझे पूरा यकीन आ गया। हाँ। और मैंने ये दम लगा लिया कि जब तक पूरा शून्य नहीं होगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो भाई बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं अभी अब्सेंट हूँ, बिल्कुल ड्यूटी से, मतलब अब्सेंट भी चल रहा हूँ, पर मेरे मन में यही है ये दरबार से बिल्कुल ये ठीक होके जाएगी, और ठीक हो गई है, 99% ठीक हो चुकी है। 1% बाकी है, वो भी कल परसों तक हो जाएगी। 1% बाकी है, वो भी कल। खैर, आप दोनों स्वस्थ रहें, सुखी रहें सदा सदा के लिए, और 7 जन्मों तक आपका ऐसा बंधन रहे, और 7 जन्मों तक कोई भूत आपको कभी भी ना सता सके, कोई नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ सके। आपके भगवान सदैव मेरे वचन की लाज रखे और आप सदैव सुखी रहें। ठीक है। अच्छा भाई, मुझे एक बच्चे को और जानना है, एक गुड़िया को और पकड़ना है, और वो हमारे यहाँ अंबर आई से आए हुए हैं। कहाँ है अंबर आई वाले? कहाँ अंबर आई वाले? अंबर आई वाले ये लड़की है। हाँ जी जी, आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ, आपको क्या होता था बताना जरा? मेरे शरीर में दर्द हो जाता था और मेरी आंख लाल हो जाती थी, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और अब? अब एकदम नॉर्मल। एकदम नॉर्मल हो गए सौरभ? हाँ। तो आपने कहीं दिखाया था? हाँ दिखाया था, लेकिन डॉक्टरों को बहुत दिखाया, दवाई भी लिख दी थी आंखों की, सिर दर्द की लिख दी थी, लेकिन नॉर्मल हुआ ही नहीं। अब ठीक हो गया यहाँ पे? अब ठीक हो गए यहाँ आने के बाद। ठीक है। खैर, आप सौरभ के पापा हैं, आप मेरे पास आए किस वजह से, किस कारण से? मेरी लड़की सौरभ तो आपका हाँ। फ्री में ठीक हो गया, मुफ्त हाँ। में ठीक हो गया? हाँ। मेरी लड़की आई इसी में थी जी, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया जी वहाँ लेकर जाओ हाँ। और तो माया बताया, आपने बताया धागा बांध दो हाँ। जो भी इसमें था 5 किलोमीटर दूर उतर जाता था हाँ। लेकिन जी वो यहाँ पे आया और आपने ठीक किया उसको। किसको ठीक किया? लड़की है। आपका शुभ नाम क्या है? प्रतिभा। प्रतिभा बंसीवाल। प्रतिभा बंसीवाल, तो आप बंसी बजाते हैं? अरे वाह, प्रतिभा बंसीवाल ने बंसी की स्टाइल लगा दी। अरे वाह, आप तो भगवान कृष्ण की अवस्था में आ गए। प्रतिभा, आप कैसा फील करते हैं? नीचे हाथ कीजिए। आज खुश फील करते हैं आप? माता बताइए, इनके व्यवहार में क्या अंतर आया? इसमें बहुत अंतर आया, ये 6-6 दिन लगातार सोती नहीं थी, बेचैनी, सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी आंखें लाल, कभी कुछ। मतलब अभी सोती है आराम से? अब ये आपका धागा बांधने के बाद ये पहले दिन सोई है। पहले दिन से अब तक सो रही है और अब आराम है, ये डेली सो जाती है आराम से हाँ। और ये कोई गलत हरकत नहीं करती। इसने घर में ना बेड छोड़ा है जो कि नहीं तोड़ा है, ना खिड़कियां छोड़ी है, टीवी वीडियो हमारी सब तोड़ तोड़ के डाल दी। तो प्रतिभा बच्ची के लिए तालियां बजाई जाए भाई जोर जोर से। प्रतिभा ठीक हुई है और लाभ हुए हैं, आत्मिक लाभ भी लोगों को हो रहे हैं, आर्थिक लाभ भी लोगों को हो रहे हैं,
बाबा के दरबार से सबको सब कुछ मिल रहा है, बाबा की कृपा सबको मिल रही है। तो बहन जी आप भी क्यों आए हैं आप बताएंगे? गुप्ता जी नमस्कार, भैया मेरे को बता दो कौन है तीन जन? ये लड़की, दोनों लड़कियां ठीक हो गई और वो ये भी ठीक हो गई। ये लड़कियां ठीक हो गई दोनों? दोनों मतलब छोटी छोटी निगेटिविटी थी, शरीर में भार रहता था, सर में दर्द रहता था, वो सब ठीक हो गया आपका? कहाँ रहता था सर में दर्द? यहाँ रहता था, आंखों पे वजन रहता था, सर में भारीपन रहता था। आप पढ़ती है क्या करती? बॉल नहीं दिखती थी, क्रिकेट खेलती थी, बॉल नहीं दिखती थी, यहाँ लग गई मेरी। मिताली आप हैं? ये मिताली राज हैं। चलिए इंडियन क्रिकेट में एक से एक चेहरा आएगा। ये गुड़िया छक्के बहुत लगाती है, मैंने देखा है इसको अपनी आंखों से खेलते हुए नहीं देखा है। आप बताओ क्या होता था? मैं गेम करती थी तो खेलने नहीं देता था, चक्कर जब डिस्कस करती थी तो चक्कर आया था, सर भारी हो जाता था, बहुत तकलीफ। अच्छा अब खत्म? खत्म। मनु भैया जी के पास कैसे आए? मैं लेके आया। भाई आप लेके आए? भाई लेके आए। आपने कैसे देखा? मैं तो ये चीज देखता रहता था। मैं घर में कितने लोग ठीक हुए? 7 लोगों को ठीक किया मैंने। 7 लोगों को आपने ठीक कराया? हाँ, किया। हाँ, और वो सब ठीक हो गए? मौज से आनंद से अपना जीवन व्यवहार सब ठीक हो गया। अच्छा, सब पर बाबा की ऐसे ही कृपा बनी रहे, सब ऐसे ही बाबा का लाभ लेते रहे, सब पर नाम राज की ऐसे ही कृपा बनी रहे, उस मंत्र राज की ऐसे ही कृपा बनी रहे, उस शब्द की शक्ति बढ़ जाए और उस शब्द से यहाँ का दरबार निराला हो जाए और सच्चे दरबार की सदा ही जय जयकार हो। तो बोलो साबिर प्यारे की शनिदेव महाराज की जय, या साबिर जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव।